गाइस मेंटोर सुनील हाजिर है आस्था स्पीच एंड हेयरिंग केयर के यूट्यूब चैनल पर लेकर ऑटिज्म एडीएचडी से जुड़ी हुई एक नई जानकारी आप लोगों में से किसी के कमेंट के ऊपर। तो आज का जो कमेंट है वो दिया है रुखसाना ने कतर से कमेंट मुझे दिया है। वो चाहती हैं ये जानना कि क्या बच्चों को साइन लैंग्वेज पिक्चर बुक्स और कार्टून्स के ज़रिए स्पीच सिखाना चाहिए या नहीं। सो डियर रुखसाना, इसका जवाब जल्दी से दूंगा। तो रुखसाना और बाकी सब लोग, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 9400 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी और 10K होने वाला है यार, एक बेंचमार्क है। जल्दी जल्दी से करो यार, जिससे कि हम लोग इससे बाहर निकलें, आगे बढ़ें और इसको 1 लाख 1 मिलियन सारे चार्ट बस्टर्स तोड़ देने आप लोगों ने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे लिए कर सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो 2000 मेरे अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना होगा। 8168790299 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसके आगे 0091 इंडिया का ISD कोड ज़रूर लगा लें, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ इस वक्त। चलो जी, अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक क्या है कि क्या हमें पिक्चर बुक्स, साइन लैंग्वेज और कार्टून्स TV पर दिखाने चाहिए बच्चे को स्पीच सिखाने के लिए। माय डियर रुखसाना और बाकी सारे मेरे चाहने वाले सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उन सबके लिए आंसर सामने आ रहा है कि नहीं। मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपको कुछ सिखाना है, कोई टॉय देना है, तो अपने आप को दीजिए। आपसे बड़ा टॉय आपके बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा टीचर आपके बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। आप जितना भी जोर लगाते रहें, आप कुछ भी करते रहें, आपका बच्चा आपके बगैर सीख नहीं सकता। कोई कार्टून नेटवर्क, कोई TV, कोई गैजेट, कोई टॉय, कोई पिक्चर बुक, कोई साइन लैंग्वेज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको कुछ देना है तो अपना आधा घंटा, क्वालिटी आधा घंटा ज़रूर दीजिए दिन में। तो मुझे लगता है रुखसाना आपको अपना जवाब मिल गया होगा। अदरवाइज़ आपका बच्चा अगर कंप्यूटर को देख करके या फिर TV को देख करके या फिर एनिमेशन को देख करके सीखेगा, तो आप मान के चलिए उसका स्पीच अगर डेवलप हो भी गया, पहली बात तो डेवलप नहीं होगा, उसमें ADHD का डिसऑर्डर आना मस्ट है। ज़्यादा चांसेस हैं उसको ADHD आ जाए। लेकिन अगर वो सीख भी जाता है तो एनिमेटेड स्पीच सीखता है। आप ये देखते हैं कि बच्चा कार्टून में जैसे कैरेक्टर्स होते हैं उनके जैसे कम्युनिकेट करता है, मामा क्या ये हो जाएगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा कर, तो ये एक स्टाइल उनका बनता चला जाता है। तो ऐसे स्टाइल में अगर वो बच्चे बोलते हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने उनको एनिमेटेड स्पीच देने की कोशिश की है। तो एनिमेटेड स्पीच मत डेवलप कराइए। आपको डेवलप कराना है तो उसका ओरिजिनल स्पीच, ह्यूमन कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट, बार बार मैं आपको कहता हूँ। तो एंजॉय कीजिए, कमेंट करते रहिए, जैसे रुखसाना ने कमेंट किया ऐसे आप सब लोग भी कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट्स के ऊपर आपके कमेंट को भी सिलेक्ट किया जाए एक नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करते रहिए, चैनल को देखते रहिए, आशा स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल, और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए यार।